दो सीटों पर लोकसभा के उपचुनाव हुए हैं और दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने आजमगढ़ में से दिनेश लाल यादव निरहुआ जो भोजपुरी के एक लोकप्रिय कलाकार हैं उन्होंने वहां विजयी प्राप्त की है और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के रामपुर लोकसभा उपचुनाव में प्रत्याशी श्री घनश्याम सिंह लोधी ने रामपुर की सीट पर विजयश्री प्राप्त की है। ये दोनों चुनाव के परिणाम भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी के सबका साथ सबका विश्वास सबका प्रयास और सबका विकास इन सभी को लेकर के चलने की जो भारतीय जनता पार्टी की घोषित नीति रही है कि हमने सबका साथ भी दिया सबका विकास भी किया सबका साथ और सबके विकास के माध्यम से सबके विश्वास को अर्जित भी किया ये जनादेश उस विश्वास का प्रतीक है और सबके प्रयास से उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को देश के समृद्धतम राज्यों में स्थापित करेंगे यह जो संकल्प और जो विजन प्रधानमंत्री मोदी जी का है उस पर जनता जनार्दन की ये मोहर है। आज के चुनाव में एक बार फिर से प्रदेश के दम्भी नकारात्मक सोच और अपनी विध्वंसात्मक गतिविधियों के लिए कुख्यात ताकतों को उन परिवारवादी ताकतों को एक बार फिर से